नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की टॉप वैरायटी जो पिछले सीजन के अनुसार हमारे रही है। इस वीडियो में साथियों मिट्टी के आधार पर कैसे चयन करें उस पर भी चर्चा करेंगे और तेल के आधार पर भी अपना चर्चा करेंगे कि कौन सी किस्म में तेल की मात्रा अधिक है। तो साथियों मैं शुरुआत कर लेता हूँ पाइनियर 45S46 से। इसमें तेल की जो मात्रा है वो आपको 42% तक देखने को मिलेगी। उसके बाद स्टार एग्री की जो 10-15 सरसों की वैरायटी है उसमें भी आपको तेल की मात्रा है वो 10-42% तक देखने को मिलेगी। उसके बाद बायर कंपनी की जो सरसों है 52-22 है उसमें भी आपको 41 लैब की तेल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। शक्तिवर्धक की 184, प्रभात गोल्ड, एडवांटा 414, श्रीराम 1664 और राशि 1604, ये जो वैरायटियां हैं इनमें आपको 40% तक लैब रिपोर्ट देखने को मिलेगी। राशि 1604 को अगर आप लगाते हैं तो इसमें पाड़े से बचाव की क्षमता इसमें थोड़ी ज़्यादा है और जड़ने की समस्या भी इसमें कम है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि हम कौन सी वैरायटी का चयन कैसे करें साथियों, मिट्टी के अनुसार अगर हम बात करें तो रेतीली जो मिट्टी है उसमें आपको हाइट वाली फसल लगानी चाहिए, यानी कि हाइट वाली वैरायटी का चयन करना चाहिए जिसकी लंबाई अत्यधिक हो। और जो कठोर मिट्टी है अपनी पक्की ज़मीन है उनमें हमें फैलाव वाली सरसों की वैरायटी का चयन करना चाहिए ताकि पौधा ज़्यादा फैलाव कर सके। हाइट तो वहाँ मिट्टी में उपजाऊपन अधिक होने के कारण अपने आप हो जाएगा। मुख्य रूप से साथियों अगर हम बात करें कि सरसों में तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं और सर्दियों से हम उसको कैसे बचाएं, तो गुंदल के समय हमें सल्फर की अगर हम स्प्रे यूज़ कर लेते हैं तो उससे तेल की मात्रा भी बढ़ेगी और सर्दी से भी हमारी फसल है बचेगी। पहले पानी में हम यानी कि जब पहला पानी दें 30-35 दिन के बाद ही में देना है और पहले पानी में हम अगर संभव हो सके तो NPK 19:19 की स्प्रे भी कर सकते हैं जिसके कारण एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टार एग्री सीड की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टार एग्री सीड की जो 10-15 सरसों हैं इसमें अगर मैं दाने की बात करूं फलियों में तो आपको अच्छे दाने मिल जाएंगे, 18-20-22 दाने देखने को मिल जाएंगे। पौधे की शाखाएं की बात करूं तो 8-10 नीचे से शाखाएं फैलाव वाली आपको ये वैरायटी मिलेगी और हाइट की बात करूं तो तकरीबन ये 150 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। एडवांटा 414 की अगर बात करूं तो 120 से 130 दिन की खेती है, 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी और 10-12 क्विंटल प्रति इसके उत्पादन रहेगा और तेल की मात्रा की बात करूं तो 40% रहेगी। पाइनियर 45S46 की बात करूं तो 120 से 130 दिन की खेती है, 170 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 10-12 क्विंटल प्रति क्विंटल इसका उत्पादन रहेगा और तेल रिपोर्ट है 42% तक रहेगी। कुछ हमारी सरकारी अनुसंधान केंद्र या यूनिवर्सिटियों द्वारा सरसों के बीज तैयार किए हुए हैं उसकी हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा बीज तैयार किया गया है और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उसमें तेल रिपोर्ट है क्या कुछ है। तो जो साथी सरसों की खेती कर रहे हैं और पिछले साल से कर रहे हैं उन्हें साथियों को निवेदन करूँगा कि कमेंट में ज़रूर बताएँ कि इस वर्ष कौन सी वैरायटी सही रहेगी किसानों के लिए लगाना और पिछले साल कौन सी वैरायटी ने अधिक उत्पादन दिया है। आपके विचार में कौन सी वैरायटी ठीक है कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि किसानों को वैरायटी चयन करने में मदद मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।